देखिए मेरा और तेरा ये दो शब्द हैं, ये मेरा तेरा दो शब्द हैं, और भगवान के जो चरण हैं वे भी दो ही हैं। तो मेरा के जगह भी भगवान का चरण रख दें और तेरा की जगह भी भगवान का चरण रख दें, ये मेरा तेरा भगवान के चरणों में सौंप दें, तो इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। जय, कृपया ताली की सेवा जरूर करते जाइए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि महाराज मनु को एक क्षण ऐसा आया कि अनन्यता का भाव आ गया, तो वाणी सुनाई पड़ी भगवान की, मांग मांग बर भैन भुबानी, मांग 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 बर भैन भुबानी, मांग परम गभीर कृपामृत सानी सानी सानी, मांग मांग बण परम गभीर कृपामृत सानी, वरदान मांगो वरदान मांगो, आकाशवाणी हुई। तो जैसे ही महाराज मनु और सतरूपा ने सुना तो कहने लगे कि हे प्रभु, आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान बोले कि मैं दर्शन देने में विवश हूं। प्रभु आप विवश क्यों हैं? आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा, महाराज मनु तुम ही ने। प्रभु मैंने आपको कैसे विवश किया? कहा, तुम चाहते तो हो दर्शन, पर किसका दर्शन चाहते हो? कि जो प्रभु अगुण अखंड अनंत अनादि, जिहि चिंतहि परमार्थ बादी, नेति नेति जिहि वेद निरूपा, जिसे वेद नेति नेति कह के पुकारते हैं, जो अगुण अखंड है, अनुभव गम्य भजे जिहि संता, जो प्रभु अनुभव गम्य है। तो तुम चाहते तो हो दर्शन, सबसे पहले कह रहे हो दर्शन दो, फिर कह रहे हो हे निर्गुण हे निराकार दर्शन दो। दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है,
प्रभु महाराज मयूर ने कहा कि प्रभु जो आपने इतने सारे भक्तों को दर्शन दिया, क्या वे कथाएं झूठी हैं? भगवान बोले, नहीं नहीं, ठीक सही है, तो फिर मेरे लिए क्या कठिनाई है? तो महाराज मनु ने जैसे ही ये प्रश्न पूछा तो भगवान बोले कि मैंने उन भक्तों को इसलिए दर्शन दिया क्योंकि उनने मुझे रूप बताया कि आप मुझे इस रूप में दर्शन दें, इस रूप में, और तुमने कोई रूप तो बताया ही नहीं। तो भगवान ने कहा जैसे ही ये, तो महाराज मनु बोले, तो रूप बता दूं? भगवान बोले, अभी प्रकट हो जाऊंगा, अभी प्रकट हो जाता हूं। तो महाराज मनु रूप बताने लगे कि जो स्वरूप बस शिव मन माहे, 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 जो स्वरूप शिव मन माही, जो स्वरूप बस 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 माही, हाँ शिव स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और बाद में यह भी कहते हैं कि देखई हम स्वरूप भरी लोचन। हे प्रभु, जो आपका रूप शंकर जी ध्यान में रखते हैं, जो काग भूषुंड जी के हृदय में है स्वरूप आपका, वही वंदम वाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम। आप मुझे अपने बाल रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल रूप भगवान की जय। अब भगवान जैसे ही प्रकट हुए, महाराज मनु ने तो देखा तो देखते ही रह गए। ऐसी अलौकिक छवि भगवान, आहा, क्या कहना। अब भगवान ने कहा कि आप लोग वरदान मांगिए। तो वरदान जैसे ही भगवान ने कहा तो महाराज मनु बोले, प्रभु मैं मांग नहीं सकता, मैं नहीं मांगूंगा। नहीं, मांगना तो पड़ेगा। तो देखिए, अगर संकोची व्यक्ति से कोई कहे कि मांग लो कुछ और संकोच छोड़ दो, तो कितना कठिन है। संकोची व्यक्ति जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। तो महाराज मनु भी संकोची हैं। वे कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि,
नाथ कहूँ सति भाव। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता क्योंकि आपने मुझे पहले ही इतना सब दे दिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, जय हो शुक्रिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सबसे पहले तो मनुष्य का जीवन दिया भगवान, और फिर सब परिवार दौलत धन सब कुछ दिया, और इस सत्संग भी दिया। तेरी बनबंदगी से मैं बनदा हूं मालिक, तेरी बनबंदगी से मैं बनदा हूं मालिक, तेरी बनबंदगी से मैं बनदा हूं मालिक, तेरी बनबंदगी से मैं बनदा हूं। Yeah.
खाया पिया है तेरा है तेरा शुक्रिया।